예. आज एक है रॉयल एनफील्ड का इवेंट और मुझे कॉल मिला था, सो अभी वहीं पे जा रहा हूँ। भाई लास्ट टाइम एनफील्ड गिराने के बाद ना मैंने अभी तक उसको हाथ भी नहीं लगाया। अभी तो अपना रास्ता थोड़ा ठीक हो चुका है। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग ऑल वेल। सो वेलकम बैक टू माई चैनल DBS, लेट्स राइड एंड एक्सप्लोर। सो पहले जैसे मैं बता रहा था कि आज ना एक रॉयल एनफील्ड का इवेंट है, कुछ क्रैम जैम करके, तो मुझे पता नहीं, जाने के बाद ही पता चलेगा। सो आप लोगों को टाइटल और थंबनेल देखे तो पता चल ही चुका होगा, और मैं थोड़ा थोड़ा पिकअप भी दे देता हूँ। आज अपने साथ है अंकुर भाई, जो रॉयल एनफील्ड का पर्स मैनेजर है। आज ना थोड़ा मेरा ना तबीयत ख़राब है, सर्दी जुकाम हुआ है, और बात करने में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। और बहुत दिन बाद ना मैं पूरा सूतेद बूतेद होकर निकला हूँ भाई, फुल्ली गियर्ड अप, क्योंकि भाई इवेंट है ना, इवेंट में जा रहा होता थोड़ा वैसे ही जाना पड़ेगा। लड़कियों को जितना देर मेकअप करने के लिए लगता है ना, हम लोग लड़कों को ना ये गियर्स पहनने में, कैमरा सेटअप करने में उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है भाई। कभी कभी सोचता हूँ ना, ये भी मेकअप से कम नहीं है भाई। हाँ, करना चाहिए भाई, इससे तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिलता है ना। हिमालयन का नया एक स्क्रैम्बलर वर्जन निकला है, वो क्या क्या कर सकता है, उसका एबिलिटीज़ क्या है, वही दिखाने वाला है आज। और अगर चलाने का मौका मिला तो वो भी चला लूँगा भाई, तो मिलना तो चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को तो पता ही होगा, यहाँ पे ना फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर था, वो फ्लाईओवर खत्म हो चुका है भाई, अभी एक ही फ्लाईओवर बन चुका है। पहले ना मैं अपना ग्लव्स खोल कर रख दिया है भाई, मतलब ग्लव्स पहन के ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और ना चला के कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है, ब्रेक करने में भी कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है, और ना एक्सेल खींचने में भी ना एकदम कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा था। सो इसलिए बिना ग्लव्स के ठीक है ना, ऐसे आदत लगाना है मेरे को भी ग्लव्स पहनने का। कॉर्नर से आका मस्त है, पर ये भाई कॉर्नरिंग के लिए नहीं है भाई, इसका पीछे का टायर ना 130 सेक्शन का है। यहाँ से ना अंकुर भाई को रास्ता पता है, इसलिए मैं धीरे धीरे जा रहा था भाई। अंकुर भाई का कोई लास्ट 5 किलोमीटर से कोई खबर ही नहीं था, तो मैं सोचा क्या रुकूँ और धीरे धीरे चलते रहता हूँ। तो मैं धीरे धीरे जा रहा था 20-30 का स्पीड में, और अंकुर भाई पीछे से आ गया। अभी उसको मैं आगे जाने दिया, उसको पता है रास्ता। तब से ना मैं 78 में क्रूज़ कर रहा हूँ, और भाई ये बाइक में क्रूज़ करके इतना ज़्यादा मज़ा लगता है ना। ये बाइक को आप लोग ना मतलब हाई गियर में लगा के धीरे नहीं चला सकते, बाइक भाई जगह में बंद हो जाता है, और ये कंडीशन आप लोग का क्लच डिस्क भी जल सकता है। सो जितना गियर है भाई उतना स्पीड में चलाइए, दबाओ भाई दबाओ। ये अपना भाई पेट्रोल पंप में घुसेगा, कि वहाँ पर हम लोग को पेट्रोल नहीं मिला था। अंकुर भाई का जो है तेल डालने का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, अभी मेरा बारी। 290 290 रुपये भैया। भैया मुझे देखे बहुत अच्छा सा स्माइल दिया है। चलो जी, तेल डालने का प्रोग्राम भी ख़त्म हो चुका है। चलो जी निकलते हैं यहाँ से, तेल डालने का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है भाई। एक भी काता नहीं भरा, दो काता था, दो काता ही है भाई। ये इसको भाई मैं इसको हाथी ऐसे ही नहीं बोलता, ये सच में हाथी है, बहुत बड़ा सा, 650 cc का, और भारी भी बहुत ज़्यादा है। ए हम लोग का अंकुर भाई आगे आगे चला चुका है, मेरे को तो रास्ता भी पता नहीं। ये भाई ये क्या था? इन लोग ना बहुत ज़्यादा गंदा चलाता है। A few moments later. गलती हो गया भैया, अभी रॉन्ग साइड लेके जाना पड़ेगा। पिकअप में आ गया, इसलिए बड़े लोग बोलते हैं पिकअप में मत चलाओ। देखो पिकअप में चलाया, गलती करके आगे आ गया, अभी रॉन्ग साइड लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना यू टर्न भी नहीं है। हम लोग को ना यहाँ से यू टर्न लेने का बात था, पर हम लोग ने रास्ता घूम के सीधा चला गया, अभी गाली सुनना पड़ेगा इससे। अरे ओ भैया, हम लोग को छोड़ के तुम चला गया था? पहले चलो भाई ने बोला तुम अगर इतना स्पीड में जाओगे तुम मेरे को देखोगे कैसे, मैं तो लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ था। भाई ने मेरे को थोड़ा सुनाया, तो सुनना तो पड़ेगा ही भाई, मैं गलती से बहुत आगे चला गया था। कहाँ टोल गेट से पहले ही यू टर्न लेना था, मैं टोल गेट जाके पहुँच गया था।
गलत सीन है भाई, गलत सीन है। अभी यहाँ से उसने गूगल मैप देखा है, सेट कर लिया है, तो उसके पीछे पीछे जाते रहता हूँ। चलो जी, पहुँच चुका हूँ इवेंट सेंटर में। क्या होगा यहाँ पे, अभी क्या करना है हम लोगों को? ओ, यहाँ पे बड़ा ट्रैक व्रैक बना हुआ है, सुंदर तो बना हुआ है भाई, ये बात तो है, सुंदर तो बना हुआ है। तो गाइस, आ चुका हूँ इवेंट का लोकेशन में, और पीछे ना कंटिन्यूअसली गाना चल रहा है, तो वहाँ पे मैं सबसे जाके मिला था भाई, सब लोग ना बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे ना मेरे पीछे ट्रैक बना हुआ है, तो मैं आप लोगों को ट्रैक एक बार अच्छे से दिखा दूंगा। यहाँ पहले के साथ साथ इन्हें एक फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म में मेरा सब डिटेल्स भरा, क्योंकि भाई बाइक चलाने के लिए फॉर्म फिलअप करना जरूरी है। सो भाई मेरा नंबर है 7 नंबर, तो ठीक है, 7 इसमें लकी नंबर, तो देखते हैं कब तक बाइक मिलता है और कब मैं चलाता हूँ। भाई थोड़ा हर्डल से देखना पड़ेगा भाई, गिरना नहीं चाहिए, सिर्फ गिरने से कवारा बन जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, फुल पसीना पसीना हो चुका हूँ। यहाँ पे ना थोड़ी देर पहले एक लड़का ने रैंप तोड़ दिया था भाई, इतना मतलब इतना बड़ा जंप किया था। सो पीछे ना कंटिन्यू गाना बज रहा है, सामने नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि भाई जाने से कॉपीराइट लग जाएगा। और मेरा एनफील्ड के साथ ना वो बहुत अच्छा रिश्ता है कि एनफील्ड का भी मैं जब भी बनाऊँ ज़्यादातर कॉपीराइट ही लग जाता है। ये रहा सारा हर्डल्स, और आपको भाई को भी चलाने को मिलेगा, और देखना भाई यहाँ से जंप करवाता है बाइक। तोरीना को फोरीना को कर दिया, और पीछे ना और एक ट्रैक है भाई, उस ट्रैक में ना गो कार्टिंग होता है, और वो ना 750 मीटर ट्रैक है, बहुत बड़ा ट्रैक है, और सूरज मामू पूरा सिर के ऊपर भाई, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। अपना नंबर आ चुका है, और यहाँ पे ना गाना बज रहा है, कॉपीराइट लगने वाला है यहाँ पे आज। ठीक है, कौन सा बाइक चलाने को मिलता है, सोच रहा हूँ ग्लव्स नहीं लगाऊंगा भाई, ग्लव्स लगाना कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। ट्रैक तो अलग भुजा दिले भाला দেওবৰটো চৰকাৰ ওকে ফার্স্ট এক্সপেৰিয়েন্স ফার্স্ট নাই ফার্স্ট এক্সপেৰিয়েন্স ওকে আহা কৰ আপোনাৰ ভাল হ' এক্সপেৰিয়েন্স টো ঠিক আছে অল থ্যাংক ইউ হিমালয়ন ভাই ফার্স্ট টাইম চলা ৰহো কিয়া হ'গা কেছে হ'গা टायर हर्डल भाई, सब तो ठीक था, टायर कैसे पार करेगा, इजी था। अभी ये रैंप, कुछ नहीं भाई, आपके भाई के लिए कुछ नहीं, जिगजैग ओके, पता चल गया, सेकेंड अटेम्प्ट अभी ठीक है भाई, बाइक ना बहुत ज़्यादा इजी है, चलो केस नहीं है भाई, आपका भाई सुपरस्टार है। ये ना मुझे रैंप पे ज़्यादा डर नहीं लगा, अभी टायर पे डर लगा भाई, ये टायर थोड़ा प्रॉब्लम है, चलो कुछ नहीं। भाई आपका चैम्प है, वेरी इजी भाई, वेरी इजी, बहुत अच्छा बाइक है, एक नंबर बाइक है।
भाई बाइक बहुत ज़्यादा मस्त बाइक है, मतलब इसके लिए ना सब पानी कम चाहिए, मतलब मज़ा बाइक है भाई। बहुत भल लगे फर्स्ट तो हम ताफ हम अलग कि बैक एक ताफ नए टने बहुत एन्जय कर थैंक यू। मेरा भाई तो खत्म हो चुका है भाई, आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पहले थोड़ा डर लग रहा था पर भाई ये बाइक के लिए ना कुछ भी चीज़ मतलब हार्ड नहीं है, सब कुछ आसान, एकदम पानी कम चाहिए भाई। और पीछे ना गोकार्ट तेज हो रहा है, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ना धमाकेदार गोकार्टिंग हो रहा है भाई। भाई क्या चला रहा है, अपने को भी चलाने का मन है पर भाई यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ दूसरा है, बुकिंग नहीं होता है, पैसे से नहीं होता है, कुछ दूसरा नियम है। बहुत ज़्यादा ट्रायल कर लिया और बाहर ना बहुत ज़्यादा गर्मी है और भाई सहन नहीं हो रहा है, अंदर एक शेड में आके बैठा हुआ हूँ। यहाँ का प्रॉपर्टी ना बहुत ज़्यादा सुंदर है, यहाँ पे एक स्विमिंग पूल है, पीछे एक गोकार्ट रेस हो रहा है, किस साइड में पहाड़ है भाई, बहुत सुंदर रिसोर्ट है। अभी जो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और सूरज चाचू भी मेहरबान हो चुका है भाई, बादल आ चुका है, सो बारिश होने का चांसेस है। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो के लिए इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और जय श्री राम।